साधो जताए नमः। ओम वाम देवाय नमः। ओम अघोराय नमः। ओम तत्पुरुषाय नमः। ओम ईशानाय नमः। कौन है देवी जो हमें इस कदर पुकार रहा है? इतनी व्याकुलता के साथ कौन यज्ञ कर रहा है? स्वामी, आपके तो पृथ्वीलोक में करोड़ों भक्त हैं, उनका कोई उनमें से एक नहीं? देवी, यह भक्त कोई साधारण भक्त नहीं लगता हमें। इसी कठोर तप से मेरा ध्यान टूट गया, मुझे स्वयं जाकर देखना होगा। जैसे आपकी इच्छा महादेव, लेकिन आप बहुत भोले हैं, कृपया अपने वचनों का भली भांति उपयोग करें। देव देव, आखिरकार आप आ ही गए। अपने इस भक्त की पुकार सुनकर आप आ ही गए। भक्त, तुम्हारी ये कठोरता अपने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। बोलो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। सारी इच्छा? हाँ वत्स, सारी इच्छा। ठीक है, फिर तो आप हमें अमरता का वरदान दे दो। मैं युगो युगो तक इस धरती लोक पर राज करूं, ऐसे वरदान दे दो। किंतु भक्त, हम आपका किंतु परंतु कुछ नहीं सुनेंगे महादेव। हमें तो बस यही वरदान चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए वत्स। आप हमसे ऐसा वर मांग रहे हो जो प्रकृति के विपरीत है। ये मृत्यु लोक है और यहाँ जन्म लेने वाले को एक दिन काल का भागी होना ही पड़ता है। लगता है मेरे जीत के कारण शिव जी बिना वर्त ही चले जाएंगे। मुझे अपना वर बदल देना चाहिए। ठीक है देव, तो आप हमें कुछ और ही दे दो तो हम अपना वरदान बदलते हैं। आप हमें वरदान दीजिए कि हम जिसके भी मस्तक पर अपना हाथ रखे वो वही भस्म हो जाए। तथास्तु वत्स, आज से तुम जिसके भी सिर पर हाथ रख दोगे वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। उत्तम, अति उत्तम। क्यों ना अपना ये वरदान मैं सर्वप्रथम आप पर ही करके देखूं। डरिए मत महादेव, इसका एक उपाय है हमारे पास। कहाँ है शिव शंकर? हे देवी, आपका नाम क्या है? मोहिनी, मोहिनी नाम है मेरा। मोहिनी, तुम मुझसे विवाह करोगी? तुमसे? नहीं, हम एक कुशल नृत्यांगना है और एक बेहतर नृत्यक से ही विवाह करेंगे। बस इतनी सी बात? तो ये देखो।
कैसा लगा हमारा नृत्य देवी? ऐसे नहीं, क्या तुम मेरी तरह नृत्य कर सकते हो? क्या तुम मेरे कदम से कदम मिला पाओगे? तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है देवी, आप हमें नृत्य सिखाएंगे तो अवश्य हम कर लेंगे। ठीक है, तुम सिर्फ नृत्य करना, परंतु मेरे भाती